नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पीलीभीत में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जिसमें राष्ट्रपति को संबोधित पत्र, पीलीभीत के सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। 30 जनवरी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर गोलियां बरसाई गई और नाथूलाल घोड़ के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसी का पीलीभीत की कांग्रेसी युवा पार्टी में बहुत प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष संजय खान द्वारा बताया गया है कि भारत में रहने वाले समस्त जाति के लोग चैन अमन से रहते हैं, मगर कुछ लोग द्वारा इस चैन अमन को धूमित किया जा रहा है, जिसकी पार्टी के पदाधिकारियों ने घोर निंदा करते हुए प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। कि जिसकी पूरा हिंदुस्तान घोर निंदा करता है, उन्होंने, उस नेत्री ने महात्मा गांधी जी के पुतले को बनाकर उस पर, मेरा मतलब गोलियों की बौछार की है। न जाने उसके पुतले के अंदर क्या उसने ब्लड की तरह रेड कलर का कुछ डाल रखा कि गोलियों चलाने के बाद उस पर ब्लड भी गिरता नजर आ रहा है। और वहां पर महात्मा नाथूराम गोडसे के नारे लग रहे थे, उस महात्मा नाथूराम गोडसे के जिसने हमारे देश के राष्ट्रपिता को शहीद कर दिया था। वो लोग, जो भी नेत्री और जो भी उसके साथ जो लोग भी थे, वो लोग इस देश में अमन और चैन को नष्ट करना चाहते हैं। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ये चाहते हैं कि हम लोग एक मोहब्बत में रहें, नफ़रतों को दूर करें, मगर ना जाने कुछ फिरका परस ताकतें इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, मेरा मतलब, इतनी मोहब्बत उसे क्यों रहे हैं। पीलीभीत से संजय शुक्ला की रिपोर्ट।